हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने वाली हूँ मैं 4 बैंगल सेट न्यू डिज़ाइन के न्यू कंट्रास्ट में। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन सेटों को आप साड़ी सूट लहंगे पर भी पहन सकते हैं। और कौन कौन से बैंगल्स फर्स्ट सेट बनाने के लेंगे, ये दोनों कंट्रास्ट लगेंगे। इस वजह से मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कौन कौन से बैंगल्स कितने कितने लगेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टेप टू स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी, काज का चूड़ा, मारवाड़ी चूड़ा, सीप का चूड़ा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के चूड़ों के भी सेट सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने काज के ब्राइडल चूड़े के साथ साथ काज के लहंगे के सेट भी सिखाए हैं। मैंने आप लोगों को मेहरून, रेड, वाइन एंड प्लस मैंने साड़ी सूट लहंगे के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बताए। 1:1 के रेशियो में मिड में लगाए हैं 2 बॉर्डर। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बीच में जो रेशो ऐड करते हैं वेलवेट के बैंगल्स का वो भी बताया करो। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो आपका ज़्यादा कलर आ रहा है साड़ी सूट लहंगे में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं इस टाइम 6 का रेशो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे रेड कलर को हाईलाइट ज़्यादा करना था। इस वजह से अगर आपके पास जो कलर ज़्यादा आता है आप उसका रेशो डाल सकते हैं यहाँ पर 6 का। अभी आगे आप मेरी और वीडियो देखेंगे जो 3 पैटर्न में और सिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट, उसमें मैं 12 भी लेती हूँ, 3 भी लेती हूँ, 2 भी लेती हूँ। देख सकते हो यहाँ पर वैसे मैंने 6 का रेशो लिया है। कुछ इस तरीके से एक बेसिक सा हमने सेट बनाया है रेशो में, बॉर्डर क्रिएट करके और बीच में प्लेन बेस। आप इस तरीके से साड़ी सूट लहंगे भी पहन सकते हैं। आप इसी के अंदर ऐड करते करते एक पूरा ब्राइडल लुक में भी सेट बना सकते हैं। नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, राइट साइड बेल आइकन सेट करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो लेकर हम वो आपको सबसे पहले मिल सके। जो हमने मिड में लगाया था ना डबल सी ग्रीन का बॉर्डर, तो उसी को हम सेपरेट करके यहाँ पर रेड कलर के बैंगल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मिड में ज्यादा भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले मैंने और वीडियो बनाई है मिड में ज्यादा बॉर्डर क्रिएट की। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम इसे डबल बॉर्डर क्रिएशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में, लास्ट में अलग बॉर्डर और मिड में अलग बॉर्डर, इसी के अंदर ऐड करेंगे हम कंगन। अगर आपके पास कंगन नहीं है तो ऑप्शनल है, आप कंगन को छोड़ देना। बाकी के जो अभी मैं बैंगल्स ऐड करूंगी आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करो, उन लोगों की भी हेल्प करना, प्लीज मेरी भी हेल्प करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ इस तरीके से आप सेट को पहन सकते हैं, मगर मुझे थोड़ा सा ना और हैवी क्रिएट करना है। इसी के अंदर एक ही वीडियो में मैं 6 मिनट में 4 पैटर्न सिखाती हूँ। ज्यादा आपको लॉन्ग लगती है, वैसे मैं लॉन्ग नहीं बनाती हूँ ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर मैंने 4 पैटर्न सिखाए तो 6 मिनट की तो हो ही जाएगी वीडियो। अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी तो आप शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने साड़ी सूट लहंगे, ब्राइडल चूड़ा, सीप का चूड़ा, डॉट वाला चूड़ा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जैसे मैं लॉन्ग वीडियो में सिखाती हूँ वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में सिखाती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। फर्स्ट सेट बनके रेडी हो गया है, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेकंड पैटर्न बनाऊंगी, उसके भी स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कौन कौन से बैंगल्स कितने कितने लगेंगे, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। कुछ इस तरीके से एक एक बैंगल्स आप लोगों को लगा के दिखलाती हूँ, अच्छे से गाइड करती हूँ। अगर आपको इस तरीके से वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और कलर कॉम्बिनेशन भी बता देना। करवा चौथ वेडिंग स्पेशल के लिए ह्यूज कलेक्शन मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। डेली का वीडियो अपलोड करती हूँ लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो में। सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देख, भी मैंने आपको बोला था कि ना बीच का बॉर्डर मैं अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करना जो भी साड़ी सूट लहंगे के अंदर आए। बीच का रेशो देख सकते हो, वेलवेट के बैंगल्स यहाँ पर मैंने कितने सारे लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम यहाँ पर गोल्डन का भी ऐड करेंगे, सिल्वर के साथ गोल्डन, क्योंकि रेड चूड़ी में गोल्डन वर्क है तो इस वजह से मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट ना मैं आपको बताते जाती हूँ ताकि आप लोगों को भी सेट लगाने में ईजी हो जाए और आप भी इतने सुंदर सुंदर सेट बना सकें। अगर आपको ये पैटर्न अच्छे लगते हैं तो आप डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। बस मैं डेली का आप लोगों को न्यू से न्यू पैटर्न सिखाती हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा सेट बनकर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम कंगन ऐड करेंगे। आपके पास कंगन नहीं है तो ऑप्शनल है, मैंने पहले ही बोला है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाना। इससे पहले मैंने हैंगिंग वाली भी, जो लटकन वाले कंगन की वीडियो आती है वो भी बनाई है और मैंने कंगन का भी क्रिएशन बताया गया। आप कंगन को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करके एक सेट को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, देख सकते हो। सेकेंड सेट मेरा बन के रेडी हो गया, कि कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। मैं अपना थर्ड पैटर्न बनाऊंगी ब्लैक सिल्वर कलर का और उसके बाद मैं अपना फोर्थ पैटर्न बनाऊंगी। चलिए वीडियो को आप लास्ट तक एंजॉय कर लीजिए। जो आपको सेट अच्छा लगता है आप वो बना के पहन सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।